हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रौनक चितालिया और आज हम लोग देखेंगे कैसे खेलने हैं ये बहुत ही फेमस गेम जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, कोड नेम्स। कोड नेम्स फोर और मोर प्लेयर्स की गेम है जहां पे प्लेयर्स अपने आप को अलग अलग टीम में डिवाइड कर लेंगे। जो टीम सबसे पहले अपने कलर के सारे फील्ड एजेंट्स को फाइंड आउट करेगी वो टीम ये गेम जीत जाएगी। ये वीडियो में हम लोग ने कोड नेम्स डबल एक्सल के कंपोनेंट्स बताए हैं। डोंट वरी, अगर आपके पास नॉर्मल कोड नेम्स का बॉक्स है वो भी चल जाएगा। गेम में सिर्फ साइज का डिफरेंस है और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं कैसे करना है इस गेम का सेटअप। सबसे पहले आपके टीम में से कोई एक इंसान को चूज कर लीजिए जो स्पाई मास्टर्स बनेंगे। स्पाई मास्टर्स वो होंगे जो पूरे गेम में आपके टीम को अच्छे से अच्छे क्लू देंगे। यूजुअली ट्राई कीजिए कि जो स्पाई मास्टर है वो आपके ग्रुप में से जो सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है वो होना चाहिए। जो दूसरे मेंबर्स रहेंगे टीम में वो पूरे गेम के थ्रू आउट गेस करेंगे। जो स्पाई मास्टर्स है उनको अभी एक साथ कर दीजिए और टीम मेंबर्स से अलग बिठा दीजिए। अभी गेम में जो अलग अलग कलर के एजेंट टोकन आए हैं उसको आप ले लीजिए और उसको हर एक टीम के स्पाई मास्टर को दे दीजिए। अगर रेड टीम का स्पाई मास्टर है तो उनको सारे रेड टोकन दे दीजिए और अगर ब्लू टीम के स्पाई मास्टर है तो उनको सारे ब्लू टीम के टोकन दे दीजिए। जो येलो कलर के टोकन्स है वो इनोसेंट बाईस्टैंडर टोकन्स है, उसको आप एक सेपरेट पाइल में सेंटर में रख दीजिए और एक ब्लैक कलर का असैसिन टोकन रहेगा उसको भी आप निकाल के अलग से रख दीजिए। गेम में बहुत सारे वर्ड कार्ड्स भी आए होंगे, इसको आप शफल करके एक साथ सिर्फ 25 कार्ड बाहर निकाल दीजिए और जैसे बताया है वैसे एक 5x5 ग्रिड में आप उसको डाल दीजिए। आप कार्ड्स को यूजुअली कैसे भी रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पे कार्ड्स में नीचे साइड और ऊपर साइड दोनों के साइड पे उन्होंने वर्ड्स बनाए हुए हैं। जो बाकी कार्ड्स बचते हैं वो आपको गेम के बाहर निकाल देने और बॉक्स में रख देने हैं, वो शायद आपको नेक्स्ट गेम में काम आ जाएंगे। अब जो स्क्वायर कार्ड्स आते हैं जिसको हम लोग की कार्ड्स भी बोलेंगे उसको अच्छे से शफल कर दीजिए और रिमेंबर उसको फेस डाउन आपको स्पाई मास्टर्स को दे देना है। स्पाई मास्टर्स अभी आपको क्या करना है कि जो की कार्ड रहेगा वो आपके सामने आपको स्टैंड लेके उसके अंदर रख के ऐसे रखना है कि सिर्फ दोनों स्पाई मास्टर्स को ही ये की कार्ड का फ्रंट साइड दिखे। अगर ये फ्रंट साइड कोई मेंबर्स को दिख गया तो आपको की कार्ड वापस से शफल करना पड़ेगा। जो बाकी ये की कार्ड्स है वो आप गेम के बाहर रख दीजिए, ये गेम में आपको सिर्फ ये की कार्ड ही काम आएगा। अब देखते हैं फर्स्ट प्लेयर कौन जाएगा। उसके लिए दोनों स्पाई मास्टर को आपके की कार्ड में देखना है और जो की कार्ड में कॉर्नर पे बॉर्डर्स पे जो कलर के लाइट्स चमक रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर चमक रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ब्लू टीम है वो पहले जाएगी और ब्लू स्पाई मास्टर फर्स्ट टर्न लेंगे। गेम चालू करने से पहले वो स्पाई मास्टर जो फर्स्ट टर्न लेंगे उनको एक डबल एजेंट कार्ड जो गेम में आता है वो भी उनको दे देना है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्लेयर जाएगा उनको 9 वर्ड्स मिलेंगे और जो सेकेंड प्लेयर जाएगा उसको 8 वर्ड्स मिलेंगे। आप की में देख के इसको टैली भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गेम कैसे खेलना है। सबसे पहले हम समझा देते हैं कि स्पाई मास्टर्स को गेम जीतने के लिए क्या करना है। अगर वो देखेंगे गौर से तो की में कुछ स्क्वायर्स बनाए हैं और उसमें कुछ कलर्स हैं स्क्वायर्स में। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जो स्क्वायर्स है वो 5x5 ग्रिड में अरेंज किए गए हैं, जो रिजेंबल करता है बोर्ड को जहां पे आपने वर्ड्स को भी 5x5 ग्रिड में अरेंज किया हुआ है। सो जो सारे स्क्वायर्स ब्लू कलर में हाईलाइट हुए हैं वो सारे ब्लू टीम के वर्ड्स हैं और जो सारे स्क्वायर्स रेड कलर में हाईलाइट हुए हैं वो रेड टीम के वर्ड्स हैं। स्पाई मास्टर्स को ध्यान रखना है कि उनके जो टीम मेंबर्स है वो ये सारे वर्ड्स गेस करें और अगर कर देंगे तो वो जीत जाएंगे। स्पाई मास्टर्स पूरे गेम में टर्न बाय टर्न खेलेंगे और जब भी स्पाई मास्टर का टर्न आएगा तभी वो उनकी टीम को वर्ड गेस कराएंगे क्लू देके। क्लू में स्पाई मास्टर को एक वर्ड बोलना है और एक नंबर बोलना है। वर्ड एक इंग्लिश सिंगल वर्ड होना चाहिए और जो नंबर है वो कोई भी नंबर 0 से लेके 9 तक हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चेयर जो है वो एक ब्लू कलर का वर्ड है की में। इसका मतलब ये है कि जो स्पाई मास्टर है उनको एक ऐसा क्लू देना पड़ेगा जिससे उनकी टीम जो है वो चेयर गेस कर ले। ये वाले एग्जाम्पल में जो ब्लू स्पाई मास्टर है वो डिसाइड करते हैं क्लू देने का फर्नीचर 1। ये जो क्लू है वो आप देख सकते हैं जिसमें फर्नीचर जो है वो एक क्लू डायरेक्टली रिलेट करता है चेयर को और 1 नंबर जो है वो ब्लू स्पाई मास्टर्स को गेसेस दे रहे हैं वो उनके टीममेट्स को कि भाई आपको यही एक ही वर्ड गेस करना है ये क्लू से। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये एग्जांपल में अगर स्पाई मास्टर को थोड़ी जल्दी है और उनको अपने टीम मेंबर्स को ज़्यादा वर्ड्स गेस कराने हैं तो स्पाई मास्टर को थोड़ा सोच के उनको कुछ वर्ड्स के बीच में, उनके कलर के वर्ड्स के बीच में
थोड़े लिंक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो ये बोर्ड में इंडिया और जर्मनी दोनों ही कंट्रीज है। ये केस में जो स्पाई मास्टर है उनको क्लू देना पड़ेगा कंट्रीज, बट उनको चेंज करना पड़ेगा जो नंबर है, क्योंकि जो नंबर रहेगा वन नहीं अभी होगा टू। इन दिस केस ये क्लू बनेगा कंट्रीज टू। जो टीम मेंबर्स है वो लोग सोचेंगे कि उन्होंने कंट्रीज बोला है और टू बोला है, इसका मतलब ये है कि कंट्री के रिलेटेड यहाँ पे दो वर्ड्स है जो उनके कलर के। अब आते हैं गेस करने के फेज पे। जब इस स्पाई मास्टर ने एक वैलिड क्लू दे दिया है, तभी उनकी टीम को थोड़ा डिस्कस करके एक वैलिड आंसर पे पॉइंट करना है। एक बार टीम ने कोई भी कार्ड गेस कर लिया उस पर पॉइंट करके, उसके बाद स्पाई मास्टर्स को की को रेफर करके वो कार्ड जो भी कलर को बिलोंग करता है वो कलर का टोकन उठा के वो कार्ड के ऊपर रख देना है। जैसे ही स्पाई मास्टर्स एक कलर का टोकन वो कार्ड पे रख देते हैं, और अगर वो कलर का टोकन सेम ही टीम का है तो वो टीम को नेक्स्ट गेस करने मिलेगा। बट याद रहे कि अगर वो टोकन जो है वो अगर दूसरे टीम का है तो वो टीम का टर्न इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, या तो वो ब्राउन कलर का टोकन है तो वो टीम का टर्न इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। लास्टली अगर स्पाई मास्टर्स ने ब्लैक कलर का टोकन वर्ड पे रखा है, इसका मतलब ये है कि गेम इमीडिएटली खत्म हो चुकी है, yes, और वो टीम हार चुकी है। ये जो ब्लैक कलर का टोकन है जिसको हम असासिन टोकन भी बोलते हैं, उसके बारे में हम आपको टिप सेक्शन में समझाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि एक टीम के पास कितने गेसेस है, तो वो उतने ही गेसेस होंगे जितना स्पाई मास्टर्स उनको नंबर में देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पाई मास्टर ने बोला है कंट्री टू, इसका मतलब यह है कि टीम के पास सिर्फ दो ही गेसेस है। कि अगर वो दोनों गेसेस टीम ने करेक्ट कर लिए हैं तो टीम के पास एक एक्स्ट्रा बोनस गेस मिलता है। टीम्स चूज कर सकती है कि अगर उनको वो बोनस गेस लेना है या नहीं लेना है। स्पाई मास्टर्स ऐसे ही टर्न बाय टर्न क्लूज देते रहेंगे, और जो स्पाई मास्टर और उनकी टीम ने सबसे पहले उनके सारे वर्ड्स गेस कर लिए वो टीम जीत जाएगी। स्पाई मास्टर्स के लिए ये गेम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो क्लू देंगे वो सिर्फ एक ही वर्ड होना चाहिए। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो जो वर्ड है वो सिर्फ इंग्लिश ही होना चाहिए। तीसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर टेबल पे कोई भी वर्ड ओपन है तो वो वर्ड क्लू के लिए नहीं यूज कर सकते। चौथा रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपका जो क्लू है वो आपके वर्ड के मीनिंग से रिलेटेड होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्पाई मास्टर्स को ध्यान रखनी है कि पूरे गेम में उनको क्लूज के अलावा और कुछ भी नहीं बताना है, एकदम ही चुप रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार स्पाई मास्टर्स गलती से कुछ बोल दे, या तो वो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने टीम को वर्ड कन्वे कर दे। ये केस में वो स्पाई मास्टर और वो पूरी टीम को एक पेनल्टी लगती है। पेनल्टी में देखा जाए तो दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि वो टीम का टर्न इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, वो टीम को कुछ गेस करने नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि ऐसा भी कर सकते हैं जो दूसरा स्पाई मास्टर है वो अपना कोई भी एक वर्ड बिना क्लू दिए कवर कर सकते हैं। ये तो सारे हो गए गेम के बेसिक रूल्स। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिससे आप गेम बेटर खेल सकते हैं। स्पाई मास्टर्स आप ट्राई कीजिए कि आप आपकी टीम को एक क्लू में जितने ज्यादा वर्ड हो सके उतने गेस करा दीजिए। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा ब्रेन पावर ज्यादा लग जाएगा, बट जीतने के लिए तो ये करना ही पड़ता है। अभी तक आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा कि आपके जो की है उसमें एक ब्लैक कलर का स्क्वायर है, वो ही असासिन वर्ड है। असासिन वर्ड लोगों के लिए बहुत डेंजरस है, और आपको मेक श्योर करना है कि आपके मेंबर्स जो है वो कभी भी वो वर्ड की तरफ ना जाए। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्लू के बारे में सोचते हैं, आपको खुद के वर्ड्स को तो ध्यान में रखना है, बट आपको दूसरे वर्ड्स को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका क्लू दूसरे वर्ड से रिलेट करता हो तो आपकी टीम शायद दूसरे वर्ड गेस कर लेगी, और ऑब्वियसली आपको सामने वाली टीम को तो फ्री पॉइंट नहीं देना है। जब भी स्पाई मास्टर आपको क्लू देते हैं तभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके टीम मेंबर से कंसल्ट करके फाइनल आंसर को पॉइंट आउट करना है। कभी कभार ये भी होता है कि कुछ लोग एंथुजियास्टिकली बिना सोचे कोई भी कार्ड को टच कर देते हैं और वो कार्ड दूसरे टीम का निकल जाता है, और ऐसे कहते हैं कोडनेम्स। तो जाइए जल्दी से खेलिए। अगर आपको अच्छा लगा तो हम लोगों को कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको। अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस है तो वो हमको लिख के बताइए, हम लोग डेफिनेटली उसमें आंसर करेंगे।
अगर आपको और ऑसम हाउ टू प्ले वीडियोस देखने हैं और बोर्ड गेम रिव्यूज देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स देते रहेंगे गेम्स के बारे में। अगर आपको ऐसे ऑसम बोर्ड गेम्स खेलने हैं रियल लाइफ में हमारे साथ, तो आइए चाइन एंड गेम्स बोर्ड गेम कैफे जो है विले पार्ले मुंबई इंडिया में, और हम आपको वहाँ पे बहुत सारे गेम्स के रूल्स एक्सप्लेन करेंगे। सो यस, डू विजिट अस एंड चेक अस आउट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।